और ये भी मुझ पर भगवान का आशीर्वाद है कि मैं मथुरा में ही तो लोगों की सेवा कर पाया। पहले मैंने 200 किटों से चालू किया था। हमारे द्वारा एक कोरोना जागरूक रथ भी चलाया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी नाम का मोहताज आज की डेट में नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमित अग्रवाल जी की। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो वास्तव में सच्चे कोरोना वॉरियर हैं। जी हाँ, उनका नाम है अमित अग्रवाल। ईश्वर की कृपा होती है तब मनुष्य को सत्कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ईश्वर क्षमता बहुत लोगों को देता है किंतु उसका सदुपयोग कुछ ही लोग कर पाते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में एक नाम युवा समाज सेवी श्री अमित अग्रवाल जी, जिन्होंने लॉकडाउन प्रारंभ होने के दूसरे दिन से आज तक लगातार तन मन धन से लोगों की सेवा का कार्य सतत जारी रखा। श्री अमित अग्रवाल जी पुत्र स्वर्गीय श्री हेमचंद्र अग्रवाल निवासी जगन्नाथपुरी मथुरा, पेशे से सर्राफा कारोबारी है। 16 वर्ष की अल्पायु में ही पिता का साया सर से उठ जाने के बाद पूरे परिवार और व्यापार की जिम्मेदारी उठाते हुए समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया। वर्तमान में जयपुर में परिवार सहित रह रहे अमित अग्रवाल जी जिस दिन से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ वह मथुरा में ही थे। उन्हें लगा कि ऐसे में जब लोग अभावों में जी रहे हैं उनकी सहायता की जाए। उसके अगले दिन से ही भोजन बांटने का कार्य आरंभ किया। उसके बाद लाखों लोगों तक सूखा राशन पहुंचाने का कार्य किया। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा लोगों की समस्याएं बढ़ती चली गईं और आवश्यकताएं भी। अमित जी ने अपना नंबर सार्वजनिक कर दिया ताकि फोन पर हर जरूरतमंद उन तक अपनी बात पहुँचा सके। अमित अग्रवाल जी ने यह सब कार्य अपनी स्वर्गीय बहन नेहा अग्रवाल एवं बहनोई नीरज अग्रवाल, जो कि एक दुखद हादसे में बच्चों सहित 1 जनवरी 2020 को रायाकट पर अपनी कार में मृत पाए गए थे, उनकी स्मृति को समर्पित किया है। जी सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा, जब हमारे देश में भारत वर्ष में लॉकडाउन घोषित हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपील की गई थी कि जो लोग भी लोगों की, गरीब लोगों की, असहाय लोगों की सेवा कर सकें तो वो करें, तो उसी अपील को स्वीकार करते हुए मैंने सोचा कि समाज, एक भारत देश का नागरिक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी कुछ लोगों के लिए कुछ करूं। साथ ही सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, फेस शील्ड, थर्मल स्कैनर आदि का वितरण भी आरंभ किया। जहां एक और सरकारी तंत्र भी जिन वस्तुओं को विभागों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा था, ऐसे में अमित अग्रवाल ने आगे बढ़कर वह जिम्मेदारी उठाई। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, मंडी समिति, बार एसोसिएशन, न्याय विभाग, शिक्षा विभाग आदि सभी महकमों में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए। मैंने पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य और कई चीजें मैंने बांटी, जिससे कि लोगों को जागरूकता है। मास्क पहनने की हमें बहुत जरूरत है क्योंकि कोरोना एक संक्रमण की बीमारी है, तो इसीलिए मैंने सबको कोरोना संक्रमण की किटें दी। थाने में, चौकियों में, कप्तान साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ। प्रारंभ में अनेक समस्याएं भी आईं, जैसे हर अच्छे कार्य में कुछ लोग विघ्न डालते हैं, किंतु इन सब की परवाह न करते हुए अमित जी ने अपना कार्य दुगने उत्साह के साथ आरंभ रखा। लाखों भूखे लोगों ने अन्न पाकर उन्हें दुआएं दी तो उनका मनोबल भी बढ़ता रहा। और ये भी बताते हुए खुशी हो रही है, मेरे द्वारा अब तक 5 लाख गरीब लोगों तक मास्क, सैनिटाइजर, राशन, खाने की सुविधा पहुँच चुकी है और मुझे बड़ी खुशी भी मिलती है इस काम से। अमित जी के पास जो भी पहुंचा उसकी सहायता की गई।
जहां वो स्वयं नहीं पहुंच पाए वहां उन्होंने सीधे धनराशि भिजवा दी। देश के कोने कोने से लोगों ने फोन पर उनसे सहायता मांगी और उन्हें आशीर्वाद दिया। एक और जहां बड़े बड़े जनप्रतिनिधि और धनाढ्य कोरोना से डर के अपने घरों में छिप कर बैठे थे, वहीं अपनी जान की परवाह न करते हुए अमित जी ने स्वयं हर जगह पहुंचकर सेवा कार्य किया। जी अमित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और बहुत बल्ब में आप चीज़ों को ले रहे हैं और बांट रहे हैं, तो क्या आपको किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, परेशानियों का सामना तो हर अच्छा काम करेंगे या कैसा भी काम करेंगे सामना तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी शक्ति देने वाला ईश्वर है ऐसा मेरा मानना है। तो ईश्वर से मुझे बहुत शक्ति मिलती है और निरंतर मैं मंदिरों में जा रहा हूँ। आज हम मंदिर सैनिटाइज करा रहे हैं, सारा ब्रजमंडल का ये भी बीड़ा मैंने उठाया कि पूरे ब्रजमंडल के जितने भी मंदिर हैं जहाँ पर सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं उनको एक एक कोरोना किट, थर्मल स्कैनिंग मशीन, जिससे कि जो लोग श्रद्धालु आए वो कोरोना संक्रमण से बच सकें। ये सब करने के बाद उन्हें लगा कि ब्रज के मंदिरों को सैनिटाइज करने की बहुत आवश्यकता है, वहाँ भी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। अतः स्कैनर मास्क की व्यवस्था सभी मंदिरों में कराई जा रही है। वर्तमान में उनकी एक सैनिटाइजर की गाड़ी ब्रज के सभी मंदिरों, मथुरा सहित गिरिराज जी, नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, बेलवन, नौझील बाजना, माट, गोकुल, बलदेव आदि समस्त क्षेत्र में अपना कार्य कर रही है। साथ ही लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रथ भी समस्त ब्रज क्षेत्र में घूम रहा है, जिसे स्वयं सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हरी झंडी दिखाकर आरंभ कराया है। अमित जी के इस सराहनीय कार्य के लिए मथुरा में जिलाधिकारी, कप्तान, सिटी मजिस्ट्रेट, मंडी सचिव सहित तमाम सामाजिक संगठन उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। तमाम सामाजिक संगठन जो इस कार्य में सहयोग करना चाहते थे उन्हें भी सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य अमित अग्रवाल जी ने किया। ईश्वर उन्हें यूं ही शक्ति प्रदान करे। इसी के साथ विश्वबाण की टीम ने अमित अग्रवाल जी से कुछ खास बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं उसके कुछ अंश। इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में जब मानव सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ऐसे में गरीबों के व असहाय लोगों के लिए एक फरिश्ते का रूप बनकर आए हैं अमित अग्रवाल जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी वैसे तो मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पला बड़ा मथुरा में हूँ। यहाँ से मेरी आत्मा भी जुड़ी हुई है। यहाँ ब्रजमंडल में हमारे ईश्वर देवताओं का निवास होता है, कहते हैं ब्रज की रज जो एक बार छू ले उसका उद्धार हो जाता है, तो ऐसे ही मेरा सोचना है। आपके मन में ये समाज सेवा का कार्य करने का कैसे आया ख्याल? जी मैं समाज सेवा कर रहा तो निरंतर रूप से अब से मैं छोटा था, ऐसे मेरे संस्कार मेरे माता पिता द्वारा मुझे दिए गए कि मैं निरंतर ये कार्य तो करता ही रहता था शुरू से, लेकिन अब ये हमारे देश में इतना बड़ा और पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी आई, कोरोना नामक संक्रमण ये आया, इतने बड़े बड़े देश घुटनों पर आ गए और हमारे भारत में भी आया, तो एक भारत का नागरिक होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज समझा, बीड़ा उठाया और हम इस मिट्टी के लाल हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं किसी के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इस पहल को करूं, क्योंकि हज़ारों लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम देश और जनता की सेवा करें, जिससे कि लोगों को, गरीब जनता को जो कि पहले ही झोपड़ी में रहते थे, उनको इतनी परेशानी में रहते थे, जब लॉकडाउन नहीं भी था तब भी उन्हें खाने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही थी, और उसके बाद अब लॉकडाउन हो गया तो उनकी क्या स्थिति होगी, मैंने चैनलों के माध्यम से देखा कि उनकी क्या स्थिति हो रही है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इनकी सेवा करनी चाहिए। मंदिरों को भी आपकी मशीन चलती है साथ में और कुछ ऐसा सैनिटाइज भी आप करते हैं? सभी मंदिरों में, सभी ब्रजमंडल के मंदिरों में जिनको हम थर्मल स्कैनिंग मशीन दे रहे हैं और हजार मास्क दे रहे हैं, उन सभी मंदिरों को हम सैनिटाइज भी करा रहे हैं। हमारे द्वारा दो वाहन चलाए गए हैं जो कि पूरे मंदिर के परिसर को आधे घंटे में सैनिटाइज कर देते हैं। कहते हैं ईश्वर बहुतों को जन सेवा कार्य करने के लिए संभ्रांत बनाता है, लेकिन सेवा भाव के लिए वो किसी किसी को चुनता है। उन्हीं में से एक है अमित अग्रवाल जी, जिनके इतने नेक विचार हम सभी लोगों ने सुने और साक्षात देखे भी।